हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में एक फनी ट्रिक के साथ। बहुत ही कम टाइम में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी हुई बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नित नई नई वीडियो दे सकें। इससे रिलेटेड दोस्तों, युद्ध से रिलेटेड सन की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है बहुत ही फनी ट्रिक के साथ, वो आप जरूर देखें, जो लास्ट में स्क्रीन पे उसका लिंक दिया मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला दोस्तों युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ और मीर कासिम हार गया था। याद कैसे करेंगे कि बक्सर का युद्ध इतना भयानक हुआ दोस्तों कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को इतना मारा कि लास्ट में किसमें डाल दिया, एक बक्से में डाल दिया दोस्तों। और उस बक्से का रेट क्या था, 64 रुपए, 1764 के अंदर युद्ध जो हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने मीर कासिम को इतना मारा दोस्तों, इतना मारा कि उसको किसमें डाल दिया, बक्से के अंदर डाल दिया दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से कवर करेंगे, बक्सर का युद्ध इस टाइप से हुआ था 1764 के अंदर। अगला है दोस्तों प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। याद कैसे करेंगे, प्लास और प्लास दोस्तों जैसे हमारा एक औजार होता है, कॉम्बिनेशन प्लास बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने दोस्तों राजू की उंगली जो प्लास में लेके बहुत ही प्रेस कर दिया था, दबा दिया था, जिससे सिराजुद्दौला हार गया था। बहुत रोमांटिक ट्रिक है इसकी कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, राजू की उंगली लेके प्लास में इतनी दबा दी थी कि जो सिराजुद्दौला था उसने वैसे ही हार मान ली थी और भाग गया था वहां से। इस टाइप से गौर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। याद कैसे करेंगे इसको कि अकबर जो था दोस्तों, अकबर जो था थोड़ा हेल्दी शरीर में था, हेल्दी था, ठीक है। अकबर जो था वो क्या था, हेल्दी था थोड़ा शरीर में, और उसको हर कोई देखते ही ताप चढ़ जाती थी, मतलब बुखार चढ़ जाती थी। ताप भी बोलते हैं, बुखार भी, फीवर भी, ठीक है। ताप को उसका टेम्परेचर हाई हो जाता था दोस्तों, ठीक है। अकबर थोड़ा हेल्दी था, हेल्दी मतलब शरीर से अच्छा था, तो इस टाइप से कवर करेंगे। कन्नौज का युद्ध हुआ था दोस्तों, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। इसको कैसे याद करेंगे, कन्नौज मतलब नोज, और नोज किसकी बड़ी होती है, शेर की दोस्तों, ठीक है। नोज किसकी बड़ी होती है, शेर की। तो नोज दोस्तों मतलब नाक, हमारी जो नोज होती है, नोज में अगर दम करेंगे, नाक में दम करेंगे शेर की, तो हमारी माँ याद आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। कभी करना भी मत, अगर नोज मतलब नाक और नाक किसके, शेर की, और शेर की नाक में छोड़ दोस्तों दम करेंगे, तो हमें माँ याद आ जाएगी, माँ से हिमायूं दोस्तों, ठीक है। हिमायूं के अंदर सिर्फ माँ उठा रहे हैं। अगला है चौसा का युद्ध दोस्तों। चौसा का युद्ध हुआ था, शेर शाह को हिमायूं ये हुआ था और हिमायूं हार गया था। तो चौसा मतलब छोसा, छोसा हरियाणवी भाषा में एक हरियाणवी जो लैंग्वेज बोलते हैं, छोसा आना मतलब गुस्सा आना, और शेर को जब छोसा आता है दोस्तों तो पता ही माँ तो याद आ ही जाएगी। तो दोनों युद्ध हुए थे दोस्तों शेर शाह और हुमायूं के बीच, और दोनों में ही हुमायूं क्या हो गया था, हार गया था। चौसा का युद्ध और कनौज का युद्ध, नाक का युद्ध, इस टाइप से कवर करेंगे, ठीक है। शेर शाह को हुमायूं ने हरा दिया था, इस टाइप से कवर करेंगे। अगला दोस्तों घाघरा का युद्ध। अगला दोस्तों युद्ध है घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध बहुत ही एक फनी ट्रिक के साथ कवर करेंगे। बाबर ने अफगानों को क्या कर दिया था, हराया था। बाबर को पढ़ेंगे गब्बर दोस्तों, और गब्बर दोस्तों घाघरा पहनकर ये युद्ध लड़ा था। जैसे ही घाघरा पहना देख अफगानों ने वहां से चुटकी से फुरो लिए थे, भाग लिए थे दोस्तों, ठीक है। अब घाघरा पहन के कोई युद्ध लड़ेगा तो कौन लड़ेगा भी उसके साथ, आपको भी पता है। तो घाघरा कौन पहना, गब्बर, और गब्बर को देख के कौन भाग लिए, अफगान वहां से निकल लिए थे दोस्तों, पतली गली निकल लिए थे, ठीक है। और घाघरे का क्या पता दोस्तों, चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों, बाबर ने राय को हराया था। याद कैसे करेंगे, चांदनी रात में गब्बर से लोग राय लेने आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो पता ही, गब्बर इस दबा एक मूवी देखी होगी, तो चांदनी रात के अंदर गब्बर से लोग राय लेने आते हैं। एक ट्रिक से, एक लाइन से इसको हम कवर कर लेंगे। चांदनी चंदेरी का युद्ध हुआ था, बब्बर मेदिनी राय हार गया था। इस टाइप से इसको आसान सी ट्रिक के साथ हम क्या कर लेंगे दोस्तों, कवर कर लेंगे। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, और राणा सांगा हार गया था दोस्तों, ठीक है। क्यों हार गया, क्योंकि गब्बर ने खांड खा ली थी दोस्तों, खांड, ठीक है, घी, खांड, शक्कर होता है ना, तो खांड खा ली थी। खान को पढ़ेंगे खांड, और खांड खाने के बाद बहुत सारा सांग किया दोस्तों, और सांगा हार गया, ठीक है। गब्बर या तो घाघरा पहन के भागा था, किसके पीछे, अफगान के पीछे, अफगान भाग गए थे वहां से, ठीक है, या ये खांड खा के दोस्तों किसके पीछे भागा था, बहुत सारे सांग किए थे और सांगा हार गया, ठीक है। सांग किए थे तो सांगा हार गया, इस टाइप से कवर करेंगे। अगला दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये वैसे ही आपको याद है, 26-56-61 एक ट्रिक भी बनती है, 26-56-61, ठीक है। तो 26 में, फिर 56 में, फिर 1761 में, ये तीन युद्ध हुए थे, पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध माने जाते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट युद्ध में हराया था। तो इसको याद करेंगे दोस्तों कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उसको गब्बर को बहम हो गया था, इब्राहिम बहम, ठीक है। तो गब्बर को क्या हो गया था, बहम हो गया था, गब्बर जीता था लेकिन गब्बर को बहम हो गया था कहीं लोदी हरा ना दे, लेकिन लोदी हार गया था दोस्तों, ठीक है।
जब दूसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों, तो दूसरी लड़ाई के अंदर कब्र बना दी थी हेमू की, ठीक है। अकबर ने कब्र बना दी थी दोस्तों, अकबर कब्र कब्र बना दी गई थी हेमू की। इतना भयानक युद्ध हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध कि हेमू के क्या बना दी थी, कब्र बना दी थी। अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये वैसे ही हमें तीनों के तीनों युद्ध याद है, इनके सन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26-56, 26-56-61, तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, सन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए दूसरे युद्ध के तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों। तो वो एक अहम लड़ाई थी, अहम युद्ध था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि परांठा ही नहीं खा के गया था दोस्तों, ठीक है, परांठा ही नहीं खा के गया था। परांठा मराठा पढ़ेंगे परांठा, और परांठा सुबह सुबह कोई परांठा नहीं खा के गए थे, और मराठा हार गए थे, ठीक है। मराठे क्यों आ रहे थे, क्योंकि परांठा नहीं खा के गए दोस्तों। तो ये एक अहम युद्ध था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, और मराठे हार गए थे, परांठे खा के नहीं गए थे, ठीक है दोस्तों। भूखे पेट जाएंगे तो हारेंगे भाई, ठीक है, इस टाइप से कवर करेंगे। अगला है चंदावर का युद्ध दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। बात कर रहे हैं चंदावर की, चंदावर के युद्ध में दोस्तों चंद, चंदावर, चंद के अंदर जयचंद के अंदर चंद नाम आ रहा है, चंदावर के अंदर चंद नाम आ रहा है, तो जो आ रहा है वो हार गया था दोस्तों, ठीक है। हम जीत गए थे, मोहम्मद में हम आ रहा है तो हम जीत गए थे, और चंद हार गया था, इस टाइप से कवर करेंगे। चंदावर, चंदावर के अंदर जो चंद आ रहा है वो ही चंद हारा था, जयचंद ही हारा था और हम जीत गए थे, हम मोहम्मद गोरी हम जीत गए थे और जयचंद हार गया था दोस्तों। अगला दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध और तवान का द्वितीय युद्ध, दोनों के दोनों युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी भी एक हल्की सी टिक है, पृथ्वी, पृथ्वी में पै पहला आ रहा, तो प्रथम युद्ध पै से पै, पृथ्वी पै और प्रथम युद्ध पै, ठीक है। तो पृथ्वी राज पहले आ रहा तो पहले जीतेगा और दूसरा हारेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों युद्ध हुए थे आपस में, पहले बार पृथ्वी, प्रथम में पृथ्वी जीता और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता, इस टाइप से कवर करेंगे। पृथ्वी से पृथ्वी और प्रथम में पै आ रहा तो पै से पै मैच करके पृथ्वीराज को जिताएंगे, मोहम्मद गोरी को हराएंगे दोस्तों। इलेक्शन नहीं हो रहा वैसे ये, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों, अब मोहम्मद गोरी हार गया और पृथ्वीराज जीत गया, सॉरी मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज हार गया, ये दोनों का विपरीत अर्थ है, उल्टा पुल्टा है। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 91-92 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये दोनों के दोनों युद्ध और पानीपत की ऐतिहासिक तीन लड़ाइयां बहुत बार पूछी जाती है, और हमारी सन से रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखें, उसमें सन फनी ट्रिक से बताई गई है जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को और दबा दें इस बेल आइकॉन को, ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले।